हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर है 1 और यह इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यही कंप्लीट बायोलॉजी का सीरीज है जिसमें मैं 11th का कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। अगर आप 11th का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप सीबीएसई के लिए हो या किसी स्टेट बोर्ड के लिए, तो इस वीडियो सीरीज को आप लगातार देख सकते हैं। और इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज से हमें यहाँ शुरू करना था, वर्ग की सहायकता साधन। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था वर्ग की क्या होता है। अगर आपने वो सब नहीं देखा है पहले, तो पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। अभी मैं बात करता हूँ वर्ग की सहायता साधन के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखे थे कि वर्गीकी के लिए अनेक, उनको हम संवर्गों में बांटते थे, वर्गों में बांटते थे, जिसमें कुल होता है, जाति होता है, फैमिली होता है, या फिर हम कहें किंगडम होता है, फाइलम होता है। तो अनेक चीज 7 भागों में उनको बांटते हैं। उसके लिए कि जीवों को पहचान करें और उनका नामकरण करें, इसके लिए जीवों की पहचान जरूरी है। और जीवों के पहचान के लिए एक गहन, यहाँ देखिए, एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। यानी एक तो प्रयोगशाला चाहिए, इसके अलावा प्रयोगशाला से भी बाहर कुछ साधन चाहिए जिनसे कि अध्ययन किया जा सके और जंतुओं का तथा पादपों का वर्गीकरण किया जा सके। और इनके लिए जिन जिन साधन की आवश्यकता होती है, उसे ही हम कहते हैं वर्ग की सहायता साधन। अब देखिए, कुछ वर्ग की सहायता साधन की हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आता है हर्बेरियम। देखिए, हर्बेरियम क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि वनस्पति को, मतलब जो भी पादप या वनस्पति है, उसको क्या करते हैं, सुखा करके, और उसका पौधा का एक नमूना लेंगे, उसको सुखा करके कागज की सीट पर रख देंगे और उसको दबा करके रखते हैं तथा उस पे उसका नाम लिख देंगे कि यह कौन सा पौधा है। और उसे एक लाइब्रेरी की तरह, जैसे लाइब्रेरी में सजाया जाता है, उस तरह सजाते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए कि एक को ये पादप है, इसको सुखा करके कागज पर लिख दिया जाएगा और इस पे इसका लिखा जाएगा नाम, जो वैज्ञानिक, मतलब नाम, ये स्थानीय नाम भी होगा, इस पे स्थानीय नाम, फिर इंग्लिश नाम, जो इसका इंग्लिश में नाम है वो इंग्लिश लिखा जाएगा, और फिर इसमें जो वैज्ञानिक नाम होता है वो लिखा जाएगा कि वैज्ञानिक नाम इसका क्या है। और वैज्ञानिक नाम में आप लोग जानते हैं दो नाम लिखा जाता है, एक नाम होता है वंश का और दूसरा होता है जाति का। साथ ही साथ इस पे ये भी लिखा जाएगा कि किसने इसका खोज किया, मतलब किस व्यक्ति ने इसको संरक्षित किया है। और इस तरह देखिए, यहाँ पे रखा हुआ है कि पूरा फाइल बना करके, अनेक फाइल यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। इस फाइल में एक एक पादप की पूरी जानकारी होती है जिसमें क्या क्या रहता है। देखिए, एक बार फिर समझ लीजिए, उसको क्या करते हैं, सुखा करके कागज पे रख दिया जाता है और उस कागज पे जिस व्यक्ति ने उसको संरक्षित किया उसका नाम, उस पौधे का स्थानीय नाम, मतलब जहां पे वो संरक्षित किया गया वहां के लोग उसको क्या कहते हैं, वो नाम रहेगा। साथ ही उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी नाम रहेगा। वैज्ञानिक नाम रहेगा, जैसे द्विनाम पद्धति है वैसे ही, और किस व्यक्ति ने उसको संरक्षित किया है वो नाम रहेगा। ये सब डिटेल रखने के बाद उसको एक जगह पे रख दिया जाता है, संग्रहित कर दिया जाता है, उसे ही कहा जाता है हर्बेरियम। ठीक है, एक साधन था। चलिए अगले साधन की अगर हम बात करें, तो जो अगला साधन है वो है वनस्पति उद्यान या बॉटनिकल गार्डन। आप फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा, दिल्ली में या अनेक जगहों पे है कि ये बॉटनिकल गार्डन। इसमें क्या किया जाता है कि अध्ययन के लिए पौधों को उगाया जाता है, मतलब ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, इसमें पौधों को, अनेक प्रकार के पौधों को उगाया जाएगा। ठीक है, और उगाने के बाद उस पौधे का, उस पे क्या लिखा जाएगा, जो जो पौधे होंगे उस पे लिखा जाएगा पौधे का नाम, उसका फिर वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा, पौधे का नाम प्लस वैज्ञानिक नाम, इंग्लिश नाम। और ये पौधे लगे हुए होते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति जा करके, या जो अध्ययन करता होता है, वो जाता है, पौधे को देखता है, उसका नाम देखता है, वैज्ञानिक नाम देखता है और उसकी जाँच करता है। ठीक है, ये सूखे हुए नहीं रहते हैं, ये मतलब लगे हुए रहते हैं, ये हरे पौधे होते हैं, ये याद रखिएगा। जो सबसे प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन है वो क्यू इंग्लैंड में है, और
इंडिया में जो बोटनिकल इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा में है जो कि भारत में है, तथा नेशनल बोटनिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ वो भी भारत में है। अगले हम साधन की बात करें तो अगला है संग्रहालय। देखिए ये जो संग्रहालय, इसे म्यूजियम भी कहते हैं। संग्रहालय प्रायः शैक्षणिक संस्थानों में होते हैं, जैसे विद्यालय हो गए या कॉलेज हो गए। उसमें क्या किया जाता है, पौधे को संरक्षित किया जाता है और उसका नमूना रखा जाता है। उसके साथ कोई कीट भी हो सकता है पौधे के साथ, या फिर कोई कीड़ा भी हो सकता है, या कोई मतलब। और उसको क्या करते हैं कि जब वो सूख जाते हैं तो उनको संरक्षित करने के लिए एक जार में, यानी एक ऐसे एक डब्बे में, ऐसे मैं आपको बता दूं, इस तरह से एक जार रहता है और इसमें उसको रख दिया जाता है संरक्षित करके। और जो भी अध्ययन करता रहते हैं, जो बच्चे होते हैं या प्रैक्टिकल के लिए, वो देखते हैं और उससे उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो संग्रहालय में क्या होता है, पादप तथा जंतु होते हैं, इनके नमूने रखे रहते हैं और इनके बारे में भी जानकारियां रखी जाती है। इसमें बड़े पौधे भी हो सकते हैं, कहीं पे कंकाल भी रखा जाता है। तो ये सब है संग्रहालय। एक और है, लास्ट है सहायता साधन, एक और है इसके बाद, प्राणी उपभवन अथवा जिसे हम चिड़ियाघर कहते हैं या फिर जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के शहर में जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, और आप किस जूलॉजिकल पार्क में गए हैं, जिसे हम लोग चिड़ियाघर भी कहते हैं। आपने कहाँ का चिड़ियाघर देखा है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए ये क्या है, चिड़ियाघर का कॉन्सेप्ट कहाँ से है, क्यों चिड़ियाघर बनाया जाता है। इसमें जंगली जानवरों को मानव के देख रेख में रखने की यह व्यवस्था है। यहाँ देख सकते हैं, इन उपवनों में अधिकांशतः वन आवासी जीवित प्राणी रखे जाते हैं, मतलब जो वन में रहने वाले प्राणी हैं उन्हीं को रखा जाता है। और कोशिश की जाती है कि उनको वन वन जैसा ही वातावरण उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो अच्छे से रह सकें और उसको देख करके इंसान भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। यहाँ पे देखिए ये कुछ फोटो है, ये देख सकते हैं आप, एलिफेंट है, टाइगर है, जिसको लोग देख रहे हैं, ये चिड़ियाघर की तस्वीर है। आप कहाँ पे गए हैं ये जरूर बताइएगा। अगला, कुंजी अथवा चाबी। देखिए चाबी से आप लोग परिचित होंगे, ये एक अन्य साधन सामग्री है, मतलब ये भी सामग्री है बर्गी के लिए, जिसमें क्या किया जाता है, इनके समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा पक्षी प्राणियों की पहचान किया जाता है। मतलब कोई भी पौधा या प्राणी है, उनसे जो संबंधित लक्षण होता है वो दो लिखा जाता है। मान लीजिए एक संबंधित है, उसमें एक लक्षण ए और एक लक्षण बी लिखा जाता है। ए बी का हमेशा विपरीत होता है, और उसमें से एक लक्षण को मान्यता मिलती है और दूसरे को मान्यता नहीं मिलती है, इसे कहा जाता है चाबी। फ्रेंड्स ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर भी चाहते हैं इस चैप्टर का, आपको लगता है कि क्वेश्चन आंसर आपसे नहीं बनेगा, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और जो भी सुझाव है उसे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।